हेलो एवरीवन, आई एम कार्तिका और आज हम बात करने वाले हैं लीगल एज के रांची सेंटर की। और रांची सेंटर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए आज हमारे साथ है आशीष सर। सो हाय सर। हेलो मैम। सर, आपके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। हाँ, माय नेम इज आशीष कुमार। आई हैव कंप्लीटेड माय लॉ फ्रॉम कर्नाटका लॉ स्कूल, ठीक है। एंड देन आई ज्वाइंड दिल्ली हाई कोर्ट फॉर माय कोर्ट प्रैक्टिस। आफ्टर दैट आई ज्वाइन फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड आई हैव एक्सपीरियंस अबाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट मोर देन 3 इयर्स। ओके सर, अगर रांची सेंटर की अपन बात करें तो कब स्टैब्लिश हुआ था रांची सेंटर? रांची सेंटर में हम लीगल एज जो हमारा जो है ये रांची सेंटर में कम से कम ये 2017 से ये एक्टिव था। एंड हाँ, बट टॉप एंकर से जब ये मर्ज हुआ है तो ये हमारे पास अभी 2023 फरवरी में हमारे पास इंडोर। ओके, एंड ये कहाँ सिचुएटेड है रांची में? रांची में मैम ये लालपुर चौक पे सिचुएटेड है एंड इट इज कोचिंग्स एरिया जहाँ पे अदर सिटी के बच्चे आते हैं और वहाँ पे अपना प्रिपरेशन करते हैं। ओके, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है रांची सेंटर का? वहाँ पे 3 क्लासरूम है जो कि फुल्ली एसी क्लासरूम है हमारा, एंड लाइब्रेरी है जहाँ पे प्रॉपर तरीके से बच्चे 10 to 8 PM तक प्रॉपर तरीके से वो बैठ सकते हैं। हमारे पास वहाँ पे फुल टाइम फैकल्टीज हैं जिनसे आप क्विक डाउट्स जो भी हैं वो आप तुरंत उसको सॉल्व करवा सकते हैं। हमारे पास ओवरऑल वाईफाई कनेक्टिविटी है एंड हाइब्रिड मोड में हमारे पास क्लासेज हैं ताकि बच्चे घर पे भी रह के क्लासेज कर सकते हैं। ओके, एंड एज ऑफ नाउ रांची सेंटर में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं? अभी के टाइम पे मैम हमारे पास जो लीगल एज के बच्चे हैं वो है 23 बच्चे एनरोल्ड हैं एंड 11 बच्चे वैसे हैं जो कि वो डेमो क्लास प्रॉपर तरीके से 15 डेज से वो डेमो क्लास ले रहे हैं। ओके, तो हमारा जो वीडियो है मैम वो बहुत ही अच्छा है और हम लोग अच्छे तरीके से हर एक चीज प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। ओके, एंड अभी कौन से एक्टिव बैचेस हैं? हमारे पास जो एक्टिव बैचेज है मैम, एक तो हमारा वॉरियर बैच है एंड एक हमारा अचीवर्स बैच है जिसको हम लोग एक्टिव करके रखे हैं। ओके, कौन से टीचर्स अवेलेबल हैं रांची सेंटर में? हाँ, टीचर्स मैम हमारे लीगल रीजनिंग के हमारे पास जो नंबर ऑफ फैकल्टीज है वो 2 फैकल्टीज है और वो नुसरत रांची से बिलोंग करते हैं एंड दोनों टीचर्स जो हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ओके, हमारे पास जो करंट अफेयर्स के जो फैकल्टी हैं उन्होंने 2 times UPSC का मेंस दिया हुआ है एंड इंटरव्यू में कहीं ना कहीं जाके रह रहे हैं, बट वो हमारे लिए परफेक्ट टीचर है क्योंकि वो प्रॉपर 6 to 7 years का क्लैट का एक्सपीरियंस है। हमारे पास जो इंग्लिश की जो फैकल्टी है अनुजलान मैम, उनका प्रॉपर कैट एंड क्लैट के लिए मोर देन 10 years का एक्सपीरियंस है उनके पास। एंड हमारे पास जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के जो फैकल्टीज हैं उनका ओवरऑल 6 years का एक्सपीरियंस है फॉर क्लैट। ओके, सो कैन यू प्लीज नेम द फैकल्टीज? हाँ, हर्ष मिश्रा फॉर लीगल रीजनिंग एंड आदित्य राज फॉर लीगल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स ऑल्सो। ओके, अनुजलान एंड अभिषेक पांडे फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्रिटिकल रीजनिंग। ओके ओके, निशान तिवारी एंड नरेश महतो फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। ओके ओके ओके, सो सर बच्चों के लिए रांची में DCS और मेंटरिंग सेशंस अवेलेबल हैं? हाँ मैम, प्रॉपर तरीके से हम लोग एक एक बच्चे का हम लोग अलग अलग सेशन हम लोग बुक करते हैं। जैसे किसी बच्चे का अगर आप ओवरऑल देखते होंगे कि कभी कभी बच्चों के मार्क्स जो है ना कम आ जाते हैं मार्क्स में, तो अपन क्या करते हैं कि उसको देख नहीं पाते हैं प्रॉपर, मतलब बच्चे के अंदर क्या डिप्रेशन चल रहा है, क्या चल रहा है उनके अंदर, बट हम लोग प्रॉपर उनका एक सेशन बुक करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि बच्चों के मार्क्स एक्चुअली में कैसे कम आ रहे हैं, तो फिर हम लोग उस पर उसको फिगर आउट करके फिर हम लोग उस पर काम करते हैं। ओके ओके, एंड और क्या क्या फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज प्रोवाइडेड हैं बच्चों को रांची सेंटर में? हाँ, हमारे पास प्रॉपर जो है एक तो ओवरऑल हम लोग पर डे एक्टिविटी है हमारा, पर डे हम लोग कम से कम 2 to 3 क्लासेज हम लोग पर डे क्लैट के लिए करवा रहे हैं। उसके बाद जो है पर डे आपका न्यूज़पेपर एक्टिविटी फॉर 1 hours, आपके जो है वर्ड्स के जो एक्टिविटी होते हैं वो भी हमारे 1 hours के होते हैं। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो बच्चे हमारे पास जो भी क्लैट के प्रिपरेशन के लिए आते हैं उनका जो है प्रॉपर 10 AM से लेके 8 PM तक हम लोग उनको एंगेज करके रखते हैं ताकि उनका रिजल्ट जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। ओके 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 सर,
सर, इसके अलावा रांची सेंटर के कुछ हाइलाइट्स या अचीवमेंट्स? हाँ, अभी मैम 1 मई को हमारे पास 2 बच्चे आए थे। उन्होंने बोला कि सर हमारा जो है ये क्लैट में हमारे नंबर्स कम आए हैं। बोला कितने नंबर्स आए हैं? उन्होंने बोला 13-14 नंबर्स आए हमारे। बोला ठीक है, सो हमने उनके 13 डेज में प्रॉपर तरीके से क्राइस्ट में एडमिशन करवाया फॉर बीबीएलएलबी कोर्स। एंड शायद कहीं ना कहीं बच्चों में वो पोटेंशियल था, बट शायद दूसरे जगह पे वो अप्लाई नहीं कर पाए थे। बट ये है कि हमारे यहाँ पे जब भी आए वो 13 डेज उनका एक प्रॉपर मेहनत रहा, हम लोगों ने भी प्रॉपर तरीके से मेहनत किया उनके ऊपर, बट वो 13 डेज में उन्होंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को क्रैक कर दिया। ओके, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का कौन सा कैंपस मिला है बच्चों को? पुणे मैम। ओके, पुणे कैंपस, दैट्स वेरी ग्रेट। एंड आगे क्या क्या प्लान किया है रांची सेंटर ने अपने बच्चों के लिए? रांची सेंटर ने अपने बच्चों के लिए मैम ये सब प्लान करके रखे हैं। जैसे कि हम लोग जो है एक तो कोर्ट का एक्टिविटी हम लोग करवा रहे हैं, एनएलयू विजिट करवा रहे हैं बच्चों को हम लोग, कि एनएलयू का एक प्रॉपर जो है वो माहौल कैसा है और वहाँ पे वो सीनियर्स के साथ कुछ ना कुछ वो लर्न कर सकते हैं। बाकी अदर जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं क्लैट वाले या फिर अदर जितने भी हैं, ओवरऑल देखा जाए तो हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्विज कॉम्पिटिशन हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और जिसके लिए अनाउंसमेंट अभी एक्सपेक्टेड आफ्टर 1 वीक हम लोग करने वाले हैं। ओके, एंड कोई और हाइलाइट्स रांची सेंटर के जो आप बताना चाहेंगे? मैम ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम लोग बच्चे को इस तरीके से इंगेज करके रखते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जितने भी फैकल्टी हैं प्रॉपर वो एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। ऐसा नहीं कि एक फैकल्टी अच्छे हैं दूसरे फैकल्टी से काम ऐसे ही चला है, नहीं। ओवरऑल जितने भी फैकल्टी हमारे पास हैं सारे फैकल्टी हमारे पास वेल ट्रेंड फैकल्टी हैं, जो कि आपके रिजल्ट के लिए सिर्फ हम प्रॉपर तरीके से सोचते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हम आपके लिए खुद को फोर्स कर रहे हैं वैसा ही इंगेजमेंट आपका होना चाहिए रिजल्ट के प्रस्पेक्टिव में से। तो हाँ, तो हम लोग मैम प्रॉपर तरीके से बच्चों के रिजल्ट पे ही फोकस कर रहे हैं हम लोग। एंड संडे को जैसे मॉक्स होते हैं तो क्या रांची सेंटर कंडक्ट करवाता है ऑफलाइन मॉक्स बच्चों के? हाँ मैम, हाँ मैम, रांची सेंटर मॉक्स भी कंडक्ट करवाते हैं और संडे को हम लोग डाउट सेशन भी करवाते हैं सेम डे। सो संडे को ही डाउट सेशंस होते हैं एंड मिड वीक को कोई डाउट क्लियरिंग सेशंस या मेंटरिंग सेशंस? हाँ, मेंटरिंग सेशन इन द सेंस कि जैसे कि हम लोग कुछ बच्चे जैसे कि होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि संडे को एक दो सब्जेक्ट के हमने डाउट सेशन करवा दिए, बाकी मंडे को डाउट सेशन हो गया। और मेंटरिंग सेशन जो है वो एवरी संडे वो कंडक्ट होना ही होना है। हाँ, और क्या क्या नए लॉज आए हैं, क्या क्या आपके न्यूज पेपर में न्यू न्यू एक्टिविटी चल रहे हैं आपके आपके ओवरऑल पूरे पूरे वर्ल्ड में, तो उस पर हम लोग प्रॉपर 3 घंटे का एक सेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। आई होप ये बच्चे को बहुत काम आएगी रांची सेंटर के बारे में इन्फॉर्मेशन, एंड आई होप रांची सेंटर ऐसे ही आगे प्रोग्रेस करता रहे। थैंक यू सो मच सर ओके फॉर मैम, योर टाइम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।